मेरा नाम जय है। मैं अपनी पत्नी के माँ बाप को ढूंढने यहां लंका आया था, आकर इस परेशानी में फंस गया। मेरी पत्नी गर्भवती है, अब वो कैसी होगी, किस परिस्थिति में होगी, कुछ भी पता नहीं। प्लीज सर, हम लोगों को छोड़ दो सर। आर्मी सर, हम लोग लंका से नहीं मद्रास से हैं, हम लोगों को छोड़ दो सर, प्लीज सर। हम लोग यहाँ चाय पत्ती लेने के लिए आए थे सर, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। तुम क्या यहीं रहने वाले हो? नहीं, मेरी बीवी के माँ बाप दोनों जाफना में रहते हैं, काफी पहले वो उनके पास से इंडिया आ गई थी। यहाँ किस लिए आए हो? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सोच रहा था उसकी माँ उसके साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा, चार दिन में लौट जाऊँगा सोचा था, मगर चार महीने हो गए लौट नहीं पाया। आखिर में कोलिनूर में उसकी माँ रहती है यही पता चला था, वहाँ जाकर पूछताछ की, पता चला वो गुजर चुकी हैं। अभी तुम्हारी वाइफ का कौन सा महीना चल रहा है? अभी तक तो डिलीवरी हो चुकी होगी। आप लोग किस लिए आए हैं? हाँ, हम लोग इसकी वजह से आए हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उस कमीने सेठ की बात पर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ए, उसकी बात तो बिना सोचे समझे मान लेगा? ठीक है, अगर चाहो तो अपने पैसे वापस ले सकते हो। हाँ, वो तो बहुत बड़ा धन्ना सेठ है ना, जो पैसे वापस कर देगा, है ना? ए, आज के बाद से हम लोग तुम पे यकीन नहीं करेंगे। हम लोग वापस आ गए। जय, हम सब जिंदा बच जाएंगे ये सोचा ही नहीं था। हाँ जय, हमारी जान तेरी वजह से ही बची, बता ना तेरे लिए क्या करें। कुछ नहीं यार, बस मेरे दोस्त बनकर रहना। जरूर यार, फ्रेंडशिप भाई। ये!
अरे वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत और हरी भरी है ना। अरे मैं कोई कम हरा भरा हूँ क्या? पर तू ही मुझे लाइक नहीं करता यार। देख, ज्यादा बोलेगा तो यही धकेल दूंगा। मेरी पर्सनालिटी को देखकर तुझे जलन होती है ना? अरे तकले, तेरी पर्सनालिटी से किसी को जलन हो सकती है क्या? मिस्टर जय, ऐसी जगह पर क्यों रहते हो तुम? मेरा लेखा से शादी करना पिताजी को पसंद नहीं था, फिर भी मैंने उससे शादी की। मेरे पिताजी ने हम दोनों को अलग करने की कोशिश की, इसलिए हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ किसी को पता ना चले। अरे यार, मेरे पापा भी मेरे प्यार के खिलाफ थे और हमेशा विलेन के जैसे ही बर्ताव करते थे। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं परेशान हो रहा हूँ। मुझे पानी से एलर्जी है और इन लोगों ने पानी में ही घर बनाया है। लेखा, 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 कहाँ गई थी? तुम नहीं दिखी तो मैं डर गया। मैं तो यही थी। तुमसे वापस मिलने की उम्मीद मैंने खो दी थी। अपनी जिंदगी में मैंने कभी इतने कष्ट नहीं उठाए। देखो, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, वरना मुझे भी तकलीफ होगी। इतनी देर से क्या कर रहे हैं वो? पता नहीं यार। ठीक है, माँ को मिले। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। हमारा बच्चा कहाँ है? बच्चा? ओह, बच्चा वो उधर है। हमारे बच्चे का नाम क्या है पता है? पिताजी के नाम पे ही सत्या रखा है। सत्या बाबू। लगता है इसे कोई दूसरा नाम नहीं मिला। लेकिन तुझे बताने का क्या फायदा, तेरा नाम तो पहले से ही बेकार है। मेरा नाम इतना अच्छा है इसीलिए इसे जलन हो रही है। यही है मेरी पत्नी लेखा, और इन लोगों से मेरी लंका में ही दोस्ती हुई। ये शिवा। हाय। मनी। मेरा नाम अजीत है। और ये राज। हेलो। ए, देखना वो कितनी खूबसूरत है। अबे वो दोस्त की वाइफ है। जय, बच्चे को देख लिया, अब हम लोग को निकलना चाहिए। पहले सब लोग आराम कर लो, दो दिन रुक कर फिर निकलना तुम लोग। ठीक है, हम लोग कहाँ रुकेंगे? वहां देखो, उस घर में। उस घर में कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता है। पहले एक बुढ़िया रहती थी, फांसी लगाकर वो मर गई।
अरे बाप रे, अरे बाप रे। ए सुनना, अरे उठना भाई। अरे उठना यार। क्या हुआ यार? मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रहे हैं भाई। चुपचाप सो जा। अरे क्या हुआ? अरे उधर देख। अरे देखना कितनी खूबसूरत लग रही है। तेरी तो उठ ना, तो खुद सोता है ना हमको सोने देता है। कितना डरावना सपना था। चुपचाप सो जा, नींद खराब कर दी तूने। तुम कब आओगे सोचकर मैंने कितने दिन इंतजार किया पता है? इतने दिनों तक मैं वहां पर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। मेरी डिलीवरी के टाइम पर माँ मेरे पास रहेगी सोचकर मैंने तुम्हें वहां भेजा। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या होगा ये सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आज के बाद अगर तुम मुझे कहीं जाने के लिए बोलोगी ना तो भी मैं नहीं जाऊंगा। उधर देखो जुगनू कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। अगर वो भूत होता तो? भूत से मुझे डर लगता है पता है ना, फिर भी मुझे डर आ रही हो। इसे देखो, सिद्ध किया हुआ हनुमान जी का लॉकेट। इसे बच्चे को बांध दो। बच्चे के जन्म के बाद से उसकी नजर नहीं उतारी है इसलिए अभी नहीं बांध सकते। मन का कबूतर करे गुटुरगु उड़ा के लिए जाए नील गगन में। तू मेरे बिन मैं तेरे बिन
कुछ भी नहीं हम एक दूजे के बिन, आ जा रे मेरे जीवन साथी, आ जा जा। अरे तू क्या अपने आप को अरिजीत सिंह समझता है जो इस तरह गा रहा है? रात को भी सोने नहीं दिया और अभी भी परेशान कर रहा है, चुपचाप सो जा। मनी सब लोग अच्छे से सोए कि नहीं? अब उठ जाओ। क्या यार इतनी सुबह सुबह क्या उठा रहा है? सब लोग उठकर तैयार हो जाओ, मार्केट जाकर आएंगे। हे, अरे उधर क्या देख रहा है? चप्पू चला। क्या गणेश भाई, कैसे हो? तुम जय हो ना? मुझे इतनी जल्दी भूल गए? मैं भूल गया? नहीं नहीं, मैं नहीं भूला। कौन सी मछली है ये? मछली? अरे नहीं नहीं, मैं मछली नहीं बेच रहा। इतने घबरा क्यों रहे आप? घबरा रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ। ए, इतना नौटंकी क्यों कर रहा है? मछली उठा के मुंह में घुसड़ दूंगा। मांगुर मछली दे। मांगुर मछली? नहीं नहीं, मैं मछली नहीं बेच रहा। जो भी मछली हो दो ना हमको। मछली? अरे माफ कर दो, मैं मछली नहीं बेच रहा। क्या हुआ इसे, भाग क्यों गया? अरे यार जय, तेरे गांव में कोई भी चीज पास में मिलती ही नहीं। तेरा घर पहले ही 7.5 किलोमीटर अंदर है, ऊपर से पीने के लिए 8 किलोमीटर चलना पड़ता है। थक गया यार, सच कह रहा हूँ, बहुत पीने का मन कर रहा है। भाई साहब। कौन है? दुकान में नहीं बैठने वाला, दुकान में बैठा है। कौन है? जय हूँ भाई साहब। जय, तुम जय हो ना? तू भूत? तू भूत है? नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी भूत है। हाँ, तुम्हारी बीवी भूत है। ये क्या बड़बड़ाने लगे पापा? तुम चलो उठो। बीवी भूत होती है? क्या बकवास कर रहा है? यहाँ से। ए, तू इसकी बीवी को भूत क्यों बोल रहा है? चलो 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 चलो, बोल के जा। मैं कहता हूँ चलो ना। क्या हो गया इन्हें? जोड़ूंगी, बता रहा हूँ इसकी बीवी भूत है। अरे कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है क्या? क्या बकवास कर रहा था? पीने के बाद इनके साथ ऐसा ही होता है। क्या चाहिए आपको? तू दूध रखता है क्या? चल दारू दे। अरे यार फिर से 8 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। ए, या तो पी नहीं तो पानी में कूद जा। कोई मातम में आया है क्या? मनहूस जैसा बैठा है, है? यहाँ के लोग हमें कुछ अलग ही नजरों से देख रहे हैं ना? यार वो दुकान वाला आदमी जय और उसकी वाइफ को भूत भूत क्यों बोल रहा था? हाँ यार, मेरी माँ कहती थी कि भूतों के पांव हमेशा उल्टे होते हैं। ए टकले, जब देखो तेरे को भूत प्रेत और डायन ही दिखाई देती है। तेरे जैसे टकले को देखकर भूत प्रेत भी भाग जाएंगे। ये सब मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। ये टकले, जो भी सोच रहा है बोल दे। ए भाई, लेखा भूत है, सच कह रहा हूँ। हंस क्यों रहे हो? अबे टकले, भूत भी कहीं इतनी खूबसूरत हो सकती है क्या? है? इंग्लिश फिल्मों में बहुत भूतनी देखी मैंने। ठीक है, तो फिर भाई साहब ने ऐसा क्यों कहा था? ए, वो शराब के नशे में चूर था इसलिए बोला। इन लोगों की बातें सुनूंगा तो मेरे टकले पर बाल आ जाएंगे। छे। ए टकले, ज्यादा सोच मत, जय को बुला के ला। जा 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 ना। Thank you.
जय 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 कहाँ पर है? सो रहा है, अभी जगाती हूँ। बच्चा नहीं दिख रहा, मुझे झापड़ मार। मतलब ये सपना ही था? मुझे ऐसे क्यों मारा? दर्द हो रहा है यार। इस टकले ने फिर भी बुरा सपना देखा है। ठीक से गिलास में डालना। ए शिवा, हम लोग यहाँ बैठ के मस्ती कर रहे हैं, वहाँ जय बेचारा अकेला पड़ा होगा। ए टकले, बोल रहा हूँ ना, उसे बुला के लेके आ। ये बोल रहा है ना, जा जाके बुला ला। क्यों, मैं ही क्यों जाऊँ? तू नहीं जा सकता वहाँ। देख, इधर जो भी है उसमें तूने ही कम पी है। देख, अभी भी तेरे ग्लास में आधी बची हुई है, इसीलिए तुझे जाना होगा। अरे बोला ना, जाकर बुला के ला। ये बोल रहा है ना, तू जा। जरा पी लिया मैं आज। चौथी सीढ़ी टूटी थी, मैं उस पर पैर नहीं रखूंगा, सीधे पांचवे पर रखता हूं। अरे सुन रहे हो?
क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या हो गया? डर क्यों रहे? नाचना पक्का भूत है। ए, लगता है चढ़ गई है तुझे। अरे मैं सच कह रहा हूँ यार। अरे भूतों को छोड़ तू नाच। अरे एक बड़ा सा हाथ आकर एप्पल उठाए मेरे सामने। ऐसा क्या? देख मेरा हाथ भी तो लंबा है। देख ऐसे मैंने भी मटर उठाकर तेरे सर पर डाल दिया। ज्यादा बोलेगा तो दूसरे हाथ से एक दूंगा। सुनना झूला जोर से हिल रहा था। ए, इतनी तेज हवा है तो झूला क्या खटिया भी हिल जाएगी समझा? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सुनो ना वहाँ पर सच में भूत है, मैंने देखा है सच में। फिर से तो नहीं सपना देख रहा हूँ, ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? क्या जमाना है, भूत भी श्लोक सुनती है। जय, आज हम सब घर जाने वाले हैं। क्यों, कल भी तो जा सकते हो ना? ठीक है यार, कल चले जाएंगे। इसकी तो नहीं भाई, हम सब आज ही जाएंगे। ए, टकलेर मुंह बंद रख। ए मणि, अंदर जाके थोड़ा कील लेके आ। मेरी माँ कहती थी कि भूतों के पांव हमेशा उल्टे होते हैं। गोबर लेने आया था। नहीं, मुर्गा लेने आया था। नहीं, किल लेने आया था। किल ले लिया रे भाई। जय, ए टकले, तूने जैसा बोला था मैंने नीचे झुक के पैर देखा। कुछ दिखा तुझे? दिखा ना, उसके पैर ठीक थे। आगे से ऐसा बोला ना तो मार के तेरा टकला फोड़ दूंगा, समझ गया ना? क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? अरे क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तुझे समझा, कुछ साफ बोलेगा तो समझेंगे ना। अरे यार, थैंक्स जी। मैं तुझे समझा रहा हूँ ना। अरे ठीक से बोल ना। अरे मैं कैसे बोलूँगा, मैं पूरे जा रहा था, तुम्हें देखा तो मुझे ना मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे मुंह को खा लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ आपके चेहरे को? हाँ क्या हुआ, मधुमक्खी ने काट लिया? अच्छा, तो यही कहना चाहता था, तू इस पर सफेद चूने को घोल कर लगा लेगा तो ये ठीक हो जाएगा, मेरी माँ का नुस्खा है। आप ये नुस्खा बना देंगी प्लीज?
अरे मैं वो नहीं कर रहा, मैंने वो नहीं कहा। अरे क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार तू क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पका दिया इसने। तेरे चेहरे को क्या हुआ, क्या छुपा रहे हो तुम लोग? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी आता हूं। लेखा, मुझे सब पता है। तुम्हें किसने बताया? किसने बताया जरूरी नहीं, लेकिन हम दोनों के बीच कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। तुमने वादा किया था कुछ नहीं छुपाओगी। अगर बताती तो भी तुम समझ नहीं पाते। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। तुमने मेरी माँ से फोन पर बात की, ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने जो डेड बॉडी देखी वो लेखा की ही डेड बॉडी थी, क्योंकि दोनों में सेम अंगूठी थी। वो सोने की थी क्या? अच्छा, लेखा भूत है बे? क्या बक रहा है, पहले कहता था कि लेखा भूत नहीं है, अभी कह रहा है कि वो भूत है। हाँ यार, पहले विश्वास नहीं था, अब देखा तो यकीन हो गया। ठीक है, अच्छा क्या देखा तूने? लेखा का पैर है कि नहीं ये देखा था, पैर है इसलिए भूत नहीं है बोला था। अरे बेवकूफ, ये देखा कि लेखा का पैर सीधा है या फिर उल्टा? अगर उसके पैर सीधे हैं तो वो भूत नहीं है। तुझे पहले अच्छे से बताना चाहिए था ना। ए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ए, ऐसे सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, रुक जा। ए, उधर देख। हे, समय बर्बाद मत करो, चलो। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ए, चलना यार। ए, शिवा, कहाँ जा रहे हो तुम? जय को भूत के पास छोड़ के जाओगे क्या? तो फिर उसको भी साथ लेकर चलूं क्या? मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता, तुझे उसके पास रहना तो रहे, मैं जाता हूँ। हम लोगों को यही रह के जय को लेखा से बचाना पड़ेगा। हे, पहले हमें अपने आप को बचाना होगा। बात करता है, बड़ा है बचाने वाला। ए, कैसी बात कर रहा है तू? कोई सगा वाला होता तो तू छोड़ के जाता क्या? दोस्त ऐसे बीच में साथ। मेरे बाप, तुझे जय के साथ रहना है तो रह, मुझे भाषण मत दे, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? hey, वो भूतनी तुम दोनों को मार देगी तब समझ में आएगा, मुझे नहीं मरना है। अरे मैं जा रहा हूँ। hey, उसे जाने दे, हम लोग अंदर चलते हैं। अभी तो वो मेकअप की है इसलिए इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जब असली रूप में आएगी तब इन्हें पता चलेगा। क्या हुआ था?
मेरे पिताजी ने भूत की बात की थी ना, इसीलिए इनको भूत ने मार दिया। मनी और टकलू वहीं पर अटक गए यार। अरे बाप रे, भागो। चलो हुआ भाई, जरा धीरे चलो ना। अरे आना, कुछ नहीं हुआ। जय जय जय। अरे यार, ये भूत के साथ अंदर क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बुलाओ उसे। जय, तेरे साथ थोड़ी बात करनी है, नीचे आना। तो बोलना यार, बोलना। तू ही बता ना। अरे टकले, बोलना। क्या बोलना चाहता है, बोलना। बोल। वो जो तुम्हारी बीवी है ना। चुप हो जा, बात तो बोल। चुप हो जा, चुप हो जा। लेखा, जय, लेखा भाभी है ना। लेखा भाभी। हाँ लेखा भाभी, बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। सच कह रहा हूँ। हाँ सच कह रहा हूँ। जय, लेखा और तेरी जोड़ी अच्छी है। हाँ जय, लेखा जैसी बीवी मिली, तू तो बहुत नसीब वाला है मेरे यार। हाँ वो तो है, तो यही बता नहीं आए थे। हाँ नहीं यार, जोरों की प्यास लगी थी इसलिए आया था, लेकिन ये सब मन में था इसलिए बोल दिया। सच कह रहा हूँ। तुम फ्रेंड्स को खाने के लिए बुलाना चाहते थे ना, तो बुलाओ इन्हें। खाने के लिए? अब तो गए। ये सारा खाना लेखा ने तुम सबके लिए स्पेशल बनाया है। हमारी मौत का क्या खूबसूरत इंतजाम है। बिना खत्म किए कोई नहीं उठेगा। लगता है हमेशा के लिए उठ जाएंगे। वैसे तो खाने का दिल कर रहा है, लेकिन मेरा पेट ठीक नहीं है। अरे खाना ही ठीक नहीं है। सुबह सुबह उठकर बहुत तकलीफ से तुम सबके लिए यह सब खाना बनाया है उसने। ठीक है, हम लोग जरूर खाएंगे। अरे मत खा। ए, क्या कर रहे हो, खाओ जल्दी। खाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। बाप रे, तू सुनो जय, ये एकदम कच्चा है यार। ये तंदूरी चिकन है, ये ऐसा ही होता है। ठीक है भाई, छीली हुई मुर्गी पर अचार लगा के दे दिया है और कह रहा है कि तंदूरी है। भूत के लिए खाना बनना तो सुना है, लेकिन भूत अपने लिए खाना बनाया पहली बार हुआ। आप लोग अभी तक खा क्यों नहीं रहे हैं? खा रहा हूँ ना, सोचा था दोस्त की मदद करूंगा, लेकिन यहाँ तो अपने ही जान के लाले पड़ गए। अच्छा है ना? अच्छा है, बोलूंगा तो ये और खिलाएगा, अगर अच्छा नहीं बोलूंगा तो ये मुझे मार देगी, इसलिए एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ए, उसके आने से पहले हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं यार। ए, हम लोग लेखा के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसा बर्ताव करेंगे? हाँ ठीक है ठीक है। इतनी जल्दी खा लिया? टेस्टी था ना, इसलिए जल्दी खा लिए। पकड़ो। हाँ
छीछी, अरे पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो, मेरे लेते ही इसने सोसु कर दिया, अजीब बच्चा है। ए, वो हम सबको घूर रही है, होशियार रहना। ए, चेहरे पर थोड़ी हंसी रख, अब हम लोग साथ में एक गेम खेलेंगे। इस गेम का नाम है एक्शन गेस। इसमें एक चिट्ठी निकालनी है, उसमें जो लिखा है वैसे ही करके दिखाना होगा। गेम खेले, हम कोई स्कूली बच्चे हैं। तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई भूत आ गया। क्या है यार ये, एक तो पहले यहाँ भूत है, एक दूसरा भूत भी आने वाला है क्या? शिवा पहले तुम। या अरे ये स्टाइल तो, हाँ टीआर है। सुपरस्टार रजनीकांत, थैंक यू। झोपड़ी जैसा घर, पॉलिटिशियन सर पे बाल नहीं है, दिमाग नहीं है, हाँ तिलक, हाँ तिलक, लड्डू नाम है, लड्डू त्रिपति, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। मनी तुम्हारा नंबर। मुझे क्यों बुला रहे हैं? राखी सावंत, उसकी मम्मी क्या? जय मालिनी, उसे मैं बहुत लाइक करता था। लेकिन तुझे तो कोई लाइक नहीं करता। हाल तो बातें मत कर, मेरे टकले पर बहुत फिदा है। हाँ हाँ वो तो बहुत खूबसूरत है। बता ना, जय मालिनी की फिल्म में भूत खाना बनाती है, कौन है? जगन मोहिनी। सही बोला। क्या गलत कहा इसमें? ए टकलू चुप हो जाकर, तूने भूत बोला तो ये मुझे जान से मार देगी। अच्छा सुनो, हमें नींद आ रही है, हम लोग सोने जा रहे हैं। ए, मुझे छोड़ के भाग रहे हो? ए टकले, मुझे भी साथ लेके चलना, मुझे कुछ नहीं मालूम। ए मैं भी आया बे, ए मैं भी आया, रुक जा। अरे आजा जल्दी, क्या कर रहा है? अरे आजा जल्दी आ, चल रे मणि, आजा चल आजा। अरे कैसे? अरे आ जल्दी आ, ये देख ना मणि क्या कर रहा है यार। अरे वो तेरे पीछे आ रही है, जल्दी आ, मुझे निकल वहां से, मुझे आजा आजा, अरे जल्दी आ, आना जल्दी आ रही है, जल्दी आ गई, जल्दी कर मणि, आजा आजा जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा आजा आजा, बैठ जा, चल 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 चलो जल्दी जल्दी। आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। अरे जल्दी जल्दी चलो, भागो जल्दी, चलो निकल यहां से, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी और तेज चला, चल जल्दी जल्दी कर, भाग यहां से, हां हां चल 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 जल्दी, चला 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 जल्दी जल्दी, और तेज और तेज। Up,
टकले, हम लोग फिर से वहीं वापस आ रहे हैं। जल्दी चला, जल्दी चला, जल्दी चला, जल्दी चला, दूसरे दिशा में मोड़। अरे ये क्या हो रहा है? हम लोग कितने देर से चला रहे हैं? हम लोग कितने देर से चला रहे हैं? और जल्दी जल्दी चलो यार, क्या हो रहा है? जल्दी, चप्पू जल्दी जल्दी मारो। अरे बाप रे, कौन है? हे, कहाँ गए सबके सब? भूत आ गया क्या? जय, मेहरबानी करके तुम लोग यहां से चले जाओ। क्या हुआ जय? तुम लोग भी आखिर गांव वालों की तरह बोलने लगे ना? लेखा को भूत कहते हो तुम लोग? जय, हम लोग जो बोल रहे हैं उसे एक मिनट सुन तो ले। लेखा कब की मर चुकी है, तू जैसा सोच रहा है वो जिंदा नहीं है। लेखा अभी तक मरी नहीं है, वो जिंदा है। भाई साहब का लड़का गांव में झूठी बात फैला रहा है, मैं जो बातें बोल रहा हूं उसे समझो। जय, मेरी बात मान ले यार। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं सच कह रहा हूं तो तुम लोग यहां से जा सकते हो। नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। ये राज, जय कहां जा रहा है यार? देख तो। अब वो तांत्रिक ही अपने जय को बचाएगा। क्या कर रहा है तू? भाई साहब, भाई सर, क्या बात है? भूत से मिलना है। भूत? नहीं नहीं, भूत भगाने वाले से मिलना है। अच्छा, अंदर आओ। अरे यार, ये साधु भूत को भगा देगा ना? गांव में एक एक आदमी से जाकर पूछो, हमारी दीदी हर घोस्ट को भगा देती हैं। हमारी तांत्रिक दीदी सबसे बड़ी डेविड है। उनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, वो खून भूत देख ले तो बीमार पड़ जाए। उनके बदन में इंसानों की तरह नस नहीं है, हाई टेंशन वायर है। छूते ही घोस्ट वही ब्लास्ट हो जाता है। एक इंसान का दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन नेपोलियन का दिल सिर्फ 40 बार धड़कता था। उसी तरह हमारी तांत्रिक दीदी का भी। उनकी बॉडी का मोस्ट डेंजरस पार्ट, उनकी आंखें, उससे ही घोस्ट को टेंशन हो जाती है। वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। हकीकत में वो है डीडी। डीडी का मतलब डेविल नहीं, दूरदर्शन भी नहीं, डेविल देवी का। किसने बताया तुझे डायन? बता, उसे यहाँ लेकर आ, मुझे इज्जत से जाने दे।
मेरे सामने जुबान खोल रही है। शकीरा भी शौक होकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मैं कौन हूँ पता है? भूतों को आत्माओं को भगाने वाली मैं हूँ डेविल देविका। धीम धीम धीमा। भूत भगाने में ये तो उस्तादों के उस्ताद हैं। धन्यवाद माते। उठ बेटी, उठ जा। उठ बेटी, माताजी को प्रणाम करो। दोबारा भूत ना जकड़े। जाओ माताजी, 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 माताजी। अरे ये क्या? माताजी, सर तेरा मैदान के जैसा है, कान दरवाजे के हैंडल के जैसे। बालक को क्या परेशानी है? माताजी बताओ। हमारे दोस्त की बीवी कब की मर चुकी है माताजी, लेकिन भूत बन के हमारे पीछे पड़ी हुई है। हमें बहुत डर लग रहा है माताजी। क्या हुआ माताजी, पंखे की जैसा हिल रही हो? जय कुंडलिनी पुष्पा कुमारी, 18 अमावस्या मंदिर के चौखट में पूजा की तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। धीम धीम दिना। हाँ और एक बात, ये मंत्र मारे हुए चावल तुम्हारे हाथ में है ये पता चला तो तुम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेखा, मैंने उन्हें जाने के लिए बोल दिया है। तो फिर उन लोगों ने क्या कहा? क्या कहते वो लेखा, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर तुम सच में असली भूत होती तो उन्हें मार नहीं देती। लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, शर्ट पे कीचड़ लगा है। नाव की चप्पू में कीचड़ था, उससे ही लग गया। इसलिए ये कीचड़ लगा है। हे लेखा, बगल वाले गांव में मेला लगा हुआ है, चलें क्या? चलते हैं। लेखा, मैं तुम्हें कितना पसंद हूँ? ये कैसा सवाल है? बस ऐसे ही पूछ लिया। वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे साथ ही रहूं ऐसा लगता है। और तुम्हें? मेरा कहना, तुम्हें छोड़कर मैं एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। एक दिन अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि वो लोग कल ही गांव चले गए होंगे। उन लोगों के जाने के नाम से कैसे चेहरे पे खुशी झलक रही है ना। लिखा वो क्या है? भूतों का घर। उधर चलें क्या? तुम्हें तो भूतों से डर लगता है ना। वो क्या है कि नकली भूत देखकर डर नहीं लगता। ओके। Thank you.
डरो मत, मैं हूं ना। मुझे लगता है हम लोग बिना मतलब के ही फंस गए हैं। देख भाई, डराने वाला ही डर रहा है। हे, मेकअप करके भूत बनिया तो डर के भागेगी ही ना। वो भूतनी मुझसे डरकर भाग गई। पुतला है, पुतला है। धीरे चलो, मेरे साथ चलो, साथी तू मेरे साथ रहो। आ जाओ। अरे मुझे भी ले चलो, साथ में रहो मेरे। टकले चिल्लाओ मत, चुपचाप आ। बड़े अजीब अजीब टाइप के लोग हैं इधर। ये दरवाजा नहीं खुला, बांध रहा हूँ, बांध रहा हूँ, चलते हैं। चल चल चल, ले चलो ले चलो, जल्दी करो। उस तरफ उस तरफ उस तरफ चलते हैं। अरे उसी तरफ गई थी। ये लेखा है क्या? ये कौन है? वो दिख के अचानक गायब कैसे हो जा रही है? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, खींचो, जल्दी करो। इधर ही है, जा रही है इधर से। अरे यार तू कर क्या रहा है? नहीं खोल रहा दरवाजा। अरे जल्दी करो यार, अरे जल्दी करो ना, वो वापस आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जल्दी करो, वो इसी तरफ आ रही है, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो?
आलतू पालतू आई बला को टाल तू ये मुझे ना पहचाने बजरंगबली मेरी रखिएगा हम सब क्या करना तू जलाल तू आई बला को टाल तू आलतू जलाल ये टकले क्या बकवास कर रहा है अरे उधर मैं ऐसा ही करता था यार आलतू जलाल तू जलाल तू मेरे साथ आएगा क्या मेरे साथ आएगा क्या आएगा मेरे साथ अल्तू जलाल तू मेरी बला को डाल तू अल्तू जलाल तू मेरी बला को डाल तू अल्तू जलाल तू मेरी बला को डाल तू आलतू जलाल तू मेरी बला को टाल तू आलतू जलाल तू मेरी बला को टाल तू आलतू जलाल तू मेरी बला को टाल तू अरे नहीं 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 प्लीज 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 जा रही है अरे वो कहीं चली गई चली गई जल्दी ले चलो उसे उठाओ ले चलो यहाँ से अरे चल जल्दी अरे भूत की तरह क्यों चिल्ला रहे हो तुम्हें डराने के लिए मैं उल्टा लटका था फालतू में मैं ही डर गया अरे मैं भी आदमी हूँ आदमी है क्या यार तुम सब पहले यहाँ से बाहर निकलो ओ बहन जी आपको अलग से बोलना पड़ेगा क्या अरे अब क्यों चिल्ला रहा तू अरे ये पुतले का हाथ है ए, क्या कर रहे हो तुम लोग नहीं जय लेखा सच में भूत है यार अरे वैसा कुछ नहीं है लेखा जिंदा है नहीं यार मैं जो बोलता हूँ उस पर यकीन कर नहीं तो अपने पैरों के बीच से देख तुझे खुद पता चल जाएगा यार तुम लोग झूठ बोल रहे हो लेखा जिंदा है अरे यार तू ठीक से जानता नहीं है जय बेवकूफ की तरह बात मत करो इस नकली हाथ को भूत समझ रहे थे ना इसी तरह तुम लोग लेखा को भी भूत समझते हो जय रुकी यार कसम से बोल रहा हूँ लेखा भूत नहीं है ए, क्या यार ये कसम खा के बोल रहा है कहीं हम ही लोग तो गलत नहीं है ए, अगर इसकी बात पे यकीन करे कि लेखा भूत नहीं है तो फिर भूत है कौन मेरे दोस्त की बीवी मर चुकी है माता जी वो भूत बन के हमारे पीछे पड़ी है वो भूत है या नहीं वो पता नहीं पर तुम लोगों के साथ भूत जरूर है जय जय हे क्या वजह है पेड़ के किनारे से लग गया क्या यार कितना खून निकल रहा है यार यहाँ पे तो हर जगह खून ही खून दिख रहा है ये टकला कुछ तो गलत हुआ है हाँ यार जैसे खून की बारिश हुई हो चुप रह मैं वो नहीं बोल रहा हूं ये भूत है ये भूत है Thank you.
अमावस्या में पूजा किए हुए चावल आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। आज पूर्ण अमावस्या है, अगर तुम लोगों को किसी पर शक है तो उसके ऊपर ये मंत्र वाले चावल डाल दो। अगर वो चिल्लाने लग जाए तो उसी वक्त तुम्हें भूत का असली रूप दिखेगा। यार यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, जब मैंने चावल फेंका तो जय कैसे चिल्ला रहा था देखा, वही भूत है यार। ए, तो क्या हम लोगों ने गलती से लेखा को भूत समझा? उस दिन भी लेखा ने अपने हाथ लंबे करके फल उठाया था। उसके घर में लोहे का लंबा पकड़ था, शायद उससे उठाई होगी। हाँ सही कहा, उसने पकड़ से ही उठाया होगा। हाँ, ये लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका मतलब लेखा भी जिंदा है, हमें जल्दी से जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। चलो जल्दी चलो। मैं नहीं आऊंगा। तो तू यहीं रह टकले। मैं आता हूँ, आता हूँ। लेखा, 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 सॉरी लेखा, हम लोगों ने तुम्हें गलत समझा। गांव वालों की बातों में आकर हमने तुम्हें भूत समझा, इसीलिए हमने तुम्हें जैसे अलग किया, लेकिन अब सच्चाई जान गए हैं। हमें माफ कर दो लेखा। हे, चल इधर आ। तू सही बोल रहा है, जा। माफी मांग। हे, वोट मांग रहा है क्या? भूत की नसें नहीं होती, देखता हूँ लेखा की है कि नहीं। अरे तू डॉक्टर है क्या जो नस देख रहा है? हाथ छोड़। कंफ्यूजन अभी भी है। अब तुम हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? इस गांव में तुम्हें सब गलत समझते हैं, इसलिए जय ने तुम्हें बगल के गांव में लाने के लिए बोला है। जय कहाँ है? वो वहीं पर है, हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है, बच्चे को लेकर आती हूँ। पानी आ रहा है, मुझे तैरना नहीं आता। ए, होशियार रहो। बोट में जितना भारी सामान उसे बाहर फेंक दो। बोट में पानी भर जाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। पानी अंदर आता ही जा रहा है। अरे यार, लगता है नाव डूब जाएगी। यहाँ से बचने का कोई और रास्ता है क्या? रुक, इसे मैं फेंकता हूँ। ए, बोट अभी अंदर नहीं जा रही है, बोट अभी डूब नहीं रही है। हम बच गए। ए, चप्पू तो हमने फेंक दिया, अब हम बोट कैसे चलाएंगे? अरे बाप रे, तो सोचा नहीं। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो इसमें से। क्या करें? ए, एक काम करते हैं, हाथ से चलते हैं। ए, मुझे छोड़कर लेखा को लेकर कहाँ जा रहे हो? उधर मत जाना, वहाँ पर भूत है। जय, जय, ए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो?
लेखा, ए जय, लेखा, तू तो मर चुका है। मैं जिंदा हूँ। जय, ये खून कैसा? तू भूत है, तू जा यहाँ से। हाँ, ये भूत है, मैं भूत नहीं हूँ। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? इसके शर्ट पे खून क्यों है? जय, जय। लेखा, जय श्रीलंका में कब का मर चुका है? ये न्यूज़पेपर में भी आया था। मैं मरा नहीं। जय, जय। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बचाओ। ए, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। चलो जल्दी चलो, बचाओ मुझे। जय, उसे कैसे भी करके बचा लो, वो डूब जाएगा। जय, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। जय, मुझे बचाओ। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज। लेखा, मुझे बचाओ। देखो जय डूब रहा है, आप लोग प्लीज उसे बचा लो। लेखा, मुझे बचा। जय, hey, मुझे तो ये लगता है कि जय सचमुच जिंदा है। बचाओ। hey, जय, चल हाथ दे यार, हाथ दे यार, हाथ दे। चल आजा, आजा यार, आजा। तुम लोग मुझे छोड़कर भाग क्यों रहे थे? जब मैंने तेरे ऊपर मंत्र वाला चावल फेंका था, तू चिल्लाया क्यों? जख्म में वो चावल डालेगा तो कोई भी चिल्लाएगा। क्यों, तू नहीं चिल्लाएगा क्या? अरे, तुम लोगों की बातों में नाव डूब रही है, जल्दी चलाओ। hey, चलो जल्दी चलाओ, चलो जल्दी चलो, चलो 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 चलो, भगाओ भगाओ जोर से। hey, हाथ को और तेज चलाओ, और तेज, जल्दी करो यार, जल्दी। रुक, पहले मेरी बात तो सुन। अरे, अब क्या हुआ? पहले लेखा को भूत समझा था, फिर हम लोगों ने जय को भूत समझा, लेकिन अब ये दोनों ही जिंदा है। माता जी ने बोला था कि हम लोगों के साथ कोई भूत जरूर है। यही वो भूत होगा। ए, इससे पहले कि वो वापस आ जाए, जल्दी नाव चला। पानी बहुत जोर से अंदर आ रहा है, उसके मरने से पहले जोर से भगाओ, जोर से भगाओ, तेज भगाओ नाव, और तेज भगाओ। हाथ से चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है, बोट हिल भी नहीं रही है। जय, इस चप्पू से चला। चप्पू क्यों रोक दिया? मैंने तो दोनों चप्पू फेंक दिया था ना, फिर ये कहां से क्या हुआ? सोच क्या रहा है? क्यों, क्या हुआ भाई, अब क्या हो गया? ए भाई, तू खड़ा मत हो, नाव डूब जाएगी। भाई, मुझे तैरना नहीं आता, जल्दी से बैठ जा। ऐसे क्या देख रहा है? जय, थोड़ा लेफ्ट हो जा तो। लेकिन किस लिए? जो बोला वो करना। ये टकला, जरा लेफ्ट हट तो। पर किस लिए? अच्छी बोला ना, हट। क्या यार, ए शिवा, तू भी साइड हट। ए, क्या कर रहा है? क्या यार, ए जय, जब तक मैं बोलता हूँ तू उधर ही रह, मैं तुझे बाद में बताता हूँ ना। ए टकले, जब तक ना बोलूं तब तक लेफ्ट में रह। क्या कहा? लेफ्ट में? हाँ यार, लेफ्ट या राइट, हट ना। अरे भाई, सही ढंग से बता ना, लेफ्ट में जाना है या राइट में? लेफ्ट यार। लेफ्ट में? अरे किसी भी एक साइड में हट जा। मैं एक काम करता हूँ, नीचे झुक जाता हूँ। क्या चल रहा है ये? ए, अरे यार, कैसे समझाऊं इन लोगों को। ए जय, ए लेखा ही भूत है।
चल लेखा लेखा चला जा लेखा आजा 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 लेखा छोड़ मुझे आजा छोड़ आजा ए आजा क्यों भाई मैंने तुम सबसे पहले ही बोला था कि मुझे तैरना नहीं आता ए टकले भूत से मरने की बजाय कूद के मर जा आजा क्या सोच रहा है आजा ना चल आजा आजा जल्दी आजा 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 हाँ हिम्मत कर आजा आजा जल्दी आ अरे बाप चला जा बच गया कैसे भी करके बच गया उसे छोड़ दे वो भूत है यार चलो जान तो बच गई अब बताओ क्या करना है लेखा लेखा ए जय चल यार अरे ये तूने क्या किया इसे क्यों मारा अरे माता नहीं तो उसे छोड़ के नहीं जाता वो ले चल इसे ये भूत वो भूत कौन सा भूत पुष्पा कुमारी दिम दिम दिमा दिम दिम दिमा दिम दिम दिमा दिम दिम दिमा ए ए ए ए अरे तू कहीं भी होगी लेकिन मेरे सामने आ तू चाहे किसी को भी धोखा दे सकती है लेकिन इस डेविल देविका के सामने तेरी दाल गलेगी नहीं अभी यहाँ मेरे सामने आकर खड़ी हो जा टेल मी द आंसर ए भूत कम ऑन कम ऑन कम ऑन ये तो वैसे बुला रही है जैसे घोड़े के रेस में घोड़े को बुलाते ये कोई नया तरीका होगा बड़ा खतरनाक तरीका इस पूरे इलाके में भूत भगाने में नंबर वन है मेरी दीदी दिम दिम दिमा दिम दिम दिमा कोई नहीं डरना मत माता जी लगता है कोई आया है आजा 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 अरे आजा ना मैंने क्यों तुम लोग डरो मत ये तो सच सच में आ गए क्या मेरे सामने नाटक करेगी मंत्र वाला पानी काम कर रहा है मेरे सामने नाटक दिखा रही है अरे और एक आ गया माताजी अरे मैं जिंदा हूँ मैं मरा नहीं हूँ माताजी आपको बोला था ना कि हमारे साथ एक भूत है ये वही है माताजी अभी दिखाता हूँ अरे मैं जिंदा हूँ पागल हो गया क्या मैं जिंदा हूँ यार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके गलती की है अरे किसे पूछकर तूने पानी फेंका Who is the ghost? ये मुझे पता नहीं क्या मंत्र वाला पानी फेंकने के लिए तो रखा था ना अरे तुझे तो ना मैं आप ही कुछ कीजिए देविका जी अरे हाँ, मुझे हाथ लगाएगा डेविल देविका को ठीक है अगर ये भूत नहीं तो वो अंगूठी कैसे आई पूछो इससे वो अंगूठी कैसे आई टेल मी द आंसर बताता हूँ माता जी मैंने जो डेड बॉडी देखी वो लेखा की ही डेड बॉडी थी क्योंकि दोनों में सेम अंगूठी थी वो सोने की थी क्या माता जी इसके फ्लैशबैक में जाकर हम लोग असली भूत को भूल गए नहीं 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 पानी फेंक देने की वजह से भूत नाचने लगा है अब देखो मैं कैसा ट्विस्ट करती हूँ ये नीम के पत्ते लेकर देखो कैसे घुमाती हूँ इसने तो मेरा सारा पानी फेंक दिया है अब क्या अरे क्या माता जी आप तो चुपचाप बैठी हो उसका कुछ करो वो मंत्र वाले चावल निकालो वो तो चावल का मुंह तो पिला रहा है
यहाँ सिचुएशन क्या है और तुम लोग कबूतर की तरह वो मंत्र मारे चावल खा रहे हो? अरे तुम लोगों का क्या करूँ मैं बेवकूफ लोग? अरे अरे अरे, अरे। यहाँ भूत ना आने के लिए मैंने एक बंधन बांधा था लेकिन तुम लोगों ने उसको डैमेज कर दिया है। अरे तू सर्कस से छूटे हुए बंदर की तरह क्या बैठा है? उठ जा, 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 जल्दी जा, मंत्र मारे चावल लेकर आ, जल्दी जा। माता जी, अब आपके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब क्या करेंगे आप? अरे वहाँ अंदर मंत्र मारा हुआ कपड़ा है, उसे कोई लेकर आओ। अभी जाइए माता जी। कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, मैं ही लेकर आती हूँ। अभी जाइए माता जी। उसको भगाना है, उसे मैं जाऊंगी, उसे भगाना है, उसको भगाना है। अरे बाप रे, अरे इसे साइड में लेकर जाओ और सब लोग मेरे साथ मंत्र बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। दिम दिम दिमा, दिम दिमा, दिम 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 दिम दिमा, भगा दिया क्या? भाइयों, इस पूरे इलाके में भूत भगाने में मेरी दीदी नंबर वन है। 11,500 दक्षिणा देकर निकल जाओ यहाँ से। क्या करूं?
मैं वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। गलती नहीं है, ये टकलाई मुझे यहाँ लेके आया था, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे माता जी प्लीज मुझे बचा लो, माता जी प्लीज मुझे बचा लो, जाने दो इसे। लकड़ी उठा ली, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी भूत हो। कुछ नहीं कर सकती, तुझे क्या बचाऊं, मैं खुद को भी नहीं बचा सकती, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी और मेरी केमिस्ट्री जम गई है। केमिस्ट्री की क्या बात कर रहा है, या तो पूरी ज्योग्राफी बदल गई है। छोड़ मुझे, ये क्या कर रहा है, छोड़ मुझे, छोड़। जब मैं बचने चलूंगी। क्या किया कहता था कि किसी भी तरह के भूत को अपने बस में कर लेती है, लेकिन ये तो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है। मेरी दीदी को अगर गुस्सा आ गया तो वो भूत को मार डालेंगे। अरे वो पहले से मरी भी है, तभी तो भूत बनी है। हाय बेवकूफ, अरे मुझे ऊपर क्यों लटका के रखा है, छोड़ मुझे, छोड़ दिया। दीदी आपका मास्टर प्लान कहाँ है? अरे तू आ रहा है मुझे बचाने, मास्टर प्लान वो बना रही है और तू मुझे मास्टर प्लान के बारे में पूछ रहा है। अगर हम लोग यहाँ एक मिनट भी रुके ना तो हम लोग सब मर जाएंगे, मर जाएंगे। लेखा, ये क्या कर रही हो तुम? इन लोगों को क्यों डरा रही हो? लेखा तुम इस तरह ऊपर लटक के स्पाइडरमैन की तरह क्यों डरा रही हो? तुम लोग क्यों हम दोनों को जुदा कर रहे हो? क्योंकि तुम एक भूत हो। और तुमने अन्ना जी को क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद पानी में गिरकर मर गया था, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम जो बोल रही हो सब झूठ है। मैं जो कह रही हूँ वही सच है, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं सिर्फ अपने जय के साथ रहना चाहती हूँ और तुम लोग हमें जुदा कर रहे हो। लेखा तुम इतनी सेल्फिश मत बनो, मेहरबानी करके तुम यहाँ से चली जाओ, तुम और जय साथ मिलके नहीं रह सकते, यही सत्य है, इसे मान लो। तुम लोगों ने जय को मेरे साथ जीने नहीं दिया तो मैं जय को अपने पास लेकर आऊंगी। क्या कहा? जय मेरे पास आ जा। आज के बाद अगर तुम मुझे कहीं जाने के लिए बोलोगी ना तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मुझे देखकर डर गए क्या? ये लोग मुझे तुमसे जुदा करना चाहते हैं।
मैंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। लेकिन अब तुम ही मुझे देखकर डर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम रो मत, तुम रोगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। जय, तुम तो एक मिनट भी मुझसे जुदा नहीं रह सकते थे ना। लेकिन अभी थोड़ी देर तक ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? मेरे जाने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे, मुझे कभी याद नहीं करोगे। तुम्हें भूलकर मैं कैसे जी सकता हूँ लेखा? मैंने भी तुम्हारे साथ जीने के लिए सबके साथ लड़ाई की, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाएंगे, ये प्रॉमिस किया था ना, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं। मुझे माफ कर दो जय। मैंने भी एक बात छुपाई, तुम मर चुकी हो ये बात मैं पहले से जानता था। शर्ट पर कीचड़ लगी है। नाव के चप्पू में कीचड़ था, उसी से। उसकी वजह से कीचड़ लगा? लेखा, तुम मर चुकी हो यह बात मुझे पता थी। अगर यह बात तुम्हें पहले बता देता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती, इसीलिए तुमसे छुपा कर रखा। थैंक्स जय, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों? जो जिंदा है उसके साथ कोई भी मरा हुआ कभी भी रह नहीं सकता। गांव के लोग कुछ भी बोलें, मेरे दोस्त चाहे मुझे छोड़कर चले जाएं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जय, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा लेखा। नहीं जय, तुम्हें जीना होगा। मरने के बाद भी दोनों साथ जीने के लिए सोच रहे, कितना अद्भुत प्रेम है दोनों में। एक बात कहता हूँ,
अगर हम सब मरकर भूत बने तो हम अच्छे फ्रेंड बनकर ही रहेंगे। कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यार लेकर आज के बाद उल्टा मत लटकना, मुझे डर लगता है। लेखा मरने के बाद भी जितना मुझसे प्यार करती थी उतना ही मैं भी उससे करता था, और यही प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। वो जुगनू देखो कितने खूबसूरत लग रहा है। अगर वो भूत होता तो? भूत का नाम मत लिया करो, मुझे डर लगता है। Da-da-da.